हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 अटेम्प्ट किया था और थर्ड के 4 पार्ट्स डन कर लिए थे। तो चलिए आज कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। गिवन डी इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस 5 है, S9 75, तो ए और A9 फाइंड आउट करना है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर SN की वैल्यू गिवन है, तो हम लोगों को SN वाला फॉर्मूला यूज करना है। और हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ना मुझे यहाँ पर A पता है और ना ही AN यानी A9 की वैल्यू। तो SN की जो वैल्यू है वो है 75, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, A हमें नहीं पता तो हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, N 9 है और कॉमन डिफरेंस गिवन है 5। 2 जो है आप उसको मल्टीप्लाई में ले जाएं, 75 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो 9 है वो हम लोग डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो इधर 2A+9 में से 1 गया 8, 8 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बन जाएगा। ये 3 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं हम लोग, 25 3, तो ये बन गया आपका 50/3। 40 इधर प्लस का है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे 1 लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 2A 3। आप एलसीएम ले लें तो 50 -120 इज इक्वल टू 2A। 50 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस का 70/3। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कटिंग करके आई एम गेटिंग 35/3। तो यानी कि इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो 35/3 विद नेगेटिव साइन आई है। ओके, अब हमें A9 फाइंड करनी है, तो AN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, A+N-1 × D। तो A9 इज इक्वल टू A+8D लिख सकते हैं, 9 में से 1 गया 8, तो अब A की वैल्यू भी आपको पता है और D ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5। तो माइनस का 35/3 + 40, नीचे 1 लिख देंगे, एलसीएम कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई एम गेटिंग माइनस का 85/3, सॉरी प्लस का, क्योंकि 120 बड़ा है आपका तो प्लस का साइन ही आएगा। तो इस तरीके से A9th टर्म की जो वैल्यू है वो 85/3 हो गई। और हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हम लोगों ने डन कर लिया। -35 + 120 67, यस ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ। इसका मैं कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, चलिए ये मैंने कॉपी कर लिया है, इसको क्लियर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में यू आर गिवन ए, फर्स्ट टर्म आपको दे दी है 2, कॉमन डिफरेंस 8, SN 90, तो N और AN पता करें। चलिए, तो SN की वैल्यू हमें गिवन है और A गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, SN का जो सेकंड फॉर्मूला है उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A भी गिवन है और N भी गिवन है, नहीं सॉरी N गिवन नहीं है, नहीं है गिवन। ओके, तो चलिए एक बार यहाँ पे अपन लगा के देखते हैं फॉर्मूला। SN = 90, N मुझे नहीं पता, A मुझे 2 गिवन है और AN मुझे नहीं पता। चलिए, तो एक तो रिलेशन यहाँ पे ये डेवलप हो गया, 90 को उधर ले जाए मतलब 2 को उधर ले जाओगे तो 180 हो जाएगा, 2 + AN। ओके, AN का फॉर्मूला हमारे पास होता है A+N-1 × D। तो AN की वैल्यू तो नहीं पता है हमें, A हमें पता है 2, N नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 8 गिवन है, तो यहाँ से AN की हम लोग वैल्यू पता कर लेते हैं, N की टर्म में वैल्यू आएगी। ये ब्रैकेट अपन ने ओपन कर लिया, 8 N 2 में से 8 गया 6 विद नेगेटिव साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर
एन की जगह पर 8n-6 पुट कर देंगे, तो एन की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट हो जाएगी। तो 8n, 2 में से 6 गया 4, अब इसकी आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 8n² - 4n। 8n² को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा, 4n को शिफ्ट कर दो तो प्लस हो जाएगा। 180 को शिफ्ट कर देंगे, तो सॉरी 180 तो ऑलरेडी उधर ही है, तो क्या शिफ्ट करेंगे। अब ये तीनों 8, 4 और 180 जो है वो 4 के टेबल पे जाते हैं, तो माइनस का 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2n² - n and -45 हमारे पास बन जाएगा। माइनस का 4 क्योंकि मैंने कॉमन लिया है, इसलिए ईच टर्म के जो साइन है वो चेंज हो गए। -4 जब 0 के नीचे जाएगा तो 0 upon something 0 बन जाता है। अब इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो स्मॉलर्स हैं, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर स्प्लिटिंग करने में कोई परेशानी नहीं है। -10 + 9, तो -n होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 बनेगा। 2n हमने कॉमन ले लिया, इधर 9 आ जाएगा कॉमन, तो n-5, तो n-5 कॉमन फैक्टर एक आ गया, और बाकी बचा 2n + 9 = 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल हम लोग रख देंगे, तो n की वैल्यू मेरे पास एक 5 आ रही है, और एक मेरे पास वैल्यू आएगी -9/2। एन की वैल्यू जो है -9/2, इसको अपन कर देंगे रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि एन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही इस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। एन एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसका मतलब है एन जो है वो 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस एपी में टोटल 5 टर्म्स हैं जिसकी बात की गई है। एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एन की जगह 5 लिख दें, 8 × 5 = 40, और 40 में से 6 गया तो 34 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास A5 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई, यही हमसे पूछा गया था। तो आपने देखा कि अगर हम लोग बड़ा फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं और हमें दो टर्म्स नहीं पता, स्टिल हम लोग मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बस तरीका सही होना चाहिए और फॉर्मूला करेक्ट लगना चाहिए। चलिए उसके बाद 7th पार्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब ये मैंने क्लियर किया बोर्ड, और अभी आपके सामने कॉपी पेस्ट, यस ओके डन। तो 7th पार्ट हमारे पास आ चुका है, तो लेट अस सी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ओके ठीक है। ए की वैल्यू गिवन है 8, फर्स्ट टर्म ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, एन और डी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेकंड वाला, क्योंकि मुझे ए भी पता है और ए एन भी पता है, तो डायरेक्टली मैं एन कैलकुलेट कर लूंगा। एस एन मेरे पास 210 है, एन फाइंड आउट ही करना है। फर्स्ट टर्म 8 है और ए एन की वैल्यू 62 है, जो 2 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 8 में 62 ऐड करेंगे 70, ये 420 बन गया, मल्टीप्लाई करके 70 चला जाएगा आपका डिवाइड में, 0 से 0 कटिंग, तो एन की वैल्यू 6 आ गई है। तो एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कैलकुलेट हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है और डी, तो ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a+n-1 × d। ए एन की वैल्यू 62 है, a 8 है, n हमने 6 कैलकुलेट किया है, और d मुझे फाइंड करना है। 8 + 6 में से 1 माइनस किया 5, तो 5d, 8 माइनस हो जाएगा, तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो 54 आएगा, जो 5 है वो 54 के डिवाइड
डिवाइड में चला जाएगा, तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया। तो ये पार्ट नंबर 7 हम लोगों का डन हो गया। इजी था यहाँ पे, क्योंकि एसएन का दूसरा फॉर्मा लगने से बहुत आसान हम लोगों का ये सॉल्यूशन बन गया। चलिए अब करते हैं 8th पार्ट। क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी होता हुआ हमारा, पेस्ट भी कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एन की वैल्यू इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस है 2, एस एन है माइनस का 14, मुझे एन और ए पता करना है। चलिए तो एस एन हमें गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर ए नहीं पता हमें, ना ही एन पता, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एन बाय टू 2a+n-1 × d। हालांकि n तो पता नहीं है, तो यानी कि हमें अगेन दो इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। a भी नहीं पता, n नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 हमें दिया हुआ है। 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे दूसरी साइड, तो 28 नेगेटिव का, 2a+2n- का 2, तो ये हम लोगों का आ गया इक्वेशन 1। वी कैन से ए एन गिवन है, तो ए एन का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे a+n-1 × d। ओके, ए एन की वैल्यू मुझे गिवन है 4, ए हमें नहीं पता, एन भी हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमें 2 दिया हुआ है, तो a=4 = a+2n-2। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एन। तो 2 उधर जाके प्लस का हो गया, 2n उधर जाके माइनस का, तो 6 - 2n जो है वो ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो माइनस का 28 = n, ए की जगह 6 - 2n रख दें, +2n - का 2, मल्टीप्लाई 2 × 6 = 12, 4n+2n - का 2, तो 12 में से 2 गए 10, 4n में से 2n गए -का 2n। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10n - 2n² इधर जाएगा, तो 2n² प्लस का हो गया, 10n- का हो गया, और 28 नेगेटिव का हो गया। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लाइक दिस। 2 तो खत्म हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसका आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स मतलब स्मॉल है, कोई ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है हमारे पास। इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो -7n+2n हो जाएगा। n कॉमन लेंगे तो n-7 + 2n-7, n-7 कॉमन, n+2 = 0, दोनों फैक्टर्स को रख दें = 0, सेकंड फैक्टर को भी रख देंगे = 0, तो n की वैल्यू एक आ गई है 7 और एक एन की वैल्यू आ गई -का 2। तो एन जो है -2, उसको अपना कर देंगे रिजेक्ट, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ जाएगी, क्योंकि एन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 7 है जिनकी बात की गई है। ए फाइंड करना है तो बड़ा आसान है, यहाँ पे पुट कर दें a=6 - 2n, और एन की जगह पर 7 रख देंगे, 2 × 7 = 14, तो 6 में से 14 गया -का 8। इस तरीके से फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्व है 8th पार्ट डन हो गया। 9th पार्ट की तरफ चलेंगे, तो मैं यहाँ पे 9th पार्ट कॉपी कर लिया, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो 9th पार्ट है, हमने डन कर लिया है। तो ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8, नंबर ऑफ टर्म्स,
S192 दिया हुआ है। S के देखिए पैर में कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि S8 की ही बात कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे और फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि AN की तो कोई बात ही नहीं हुई है, D फाइंड करना है, तो इसलिए बड़ा आसानी से हमारा ये डन हो जाएगा। तो SN192, N है हमारे पास 8, A की वैल्यू है 3, 8 माइनस 1 इंटू डी, ये कटिंग होके 4 आ जाएगा। 4 जो है उसको डिवाइड में ले लें, 6 प्लस 7 डी, ये कटिंग होके 48 बनेगा। 6 प्लस 7 डी, 6 उधर जाके माइनस का, और ये अपना आ गया 42। तो बड़ा ही आसानी से कैलकुलेट हो गया हमारा, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इस एपी में 6 आया है, और इस तरीके से हम लोगों का ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। 48 42, यस वेरी गुड, बहुत आसान। सो लास्ट पार्ट है थर्ड का, क्विकली से वो भी डन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको पकड़ते हैं क्लियर, ये कॉपी और ये पेस्ट। चलिए, एल एल जैसे आपको बताया था, एल जो है वो एन की होती है, बस एल का मतलब स्पेसिफिकली हो जाता है कि वो लास्ट टर्म को डिनोट कर देती है। तो हमें कोई इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इधर इसको एन के इक्वल भी लिख सकता हूँ। SN144 है और टोटल एन टर्म्स है, यानी कि N9 है। ए पता करना है तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग सेकंड वाला, ए प्लस AN, क्योंकि SN गिवन है 144, नंबर ऑफ टर्म्स 9 गिवन है, ए हमारे पास नहीं पता, AN या L 28 है। आप अगर चाहें तो फॉर्मूला में जैसे उन्होंने L स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो ए प्लस L लिख सकते हैं, आपका फिर भी ओके है, या फिर आप L को पहले AN बना के दिखा दें फिर उसके बाद डन कर दें, आपकी मर्जी है। दोनों तरीकों से आपको नंबर फुल मिलेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में चला गया, 9 के टेबल पे 144 ये कटिंग होके आएगा 16, 1 और 54 ये 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, तो 28 उधर जाके साइन चेंज यानी कि माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 28 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 आ गई, ये हमारा आंसर डन हो गया। तो इस तरीके से हमारे थर्ड क्वेश्चन के सभी 10 पार्ट्स क्लियर हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, लेकिन जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, जब तक आप इनको अच्छे से खुद नहीं करेंगे हर एक स्टेप को, तब तक ये आपके समझ से परे ही रहेंगे। तो काइंडली प्रैक्टिस रिविजन जरूर करें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।